गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम जी मॉडल स्कूल यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो, टुडेज वीडियो, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लेसन नंबर 5, द सवना ग्रास लैंड। लेसन नंबर 5 व्हिच इज द लेसन, द सवना ग्रास लैंड। सो यू हैव टू टेक योर टर्म बुक 234, पेज नंबर 234, टेक द पेज नंबर 34। ग्रासलैंड के बारे में है दिस लेसन, ओके। सवना ग्रासलैंड, लुक एट द फर्स्ट येलो बॉक्स। डिड यू नो दैट, हम लोग ने पहले मानसून रीजन के बारे में लर्न किया और इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल रीजन के बारे में लर्न किया। दो लेसन में, मानसून रीजन और ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल रीजन, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने लर्न कर चुका है। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द सवना ग्रास लैंड। लुक एट द येलो बॉक्स। डिड यू नो दैट गेम कलेक्टिवली मीन्स वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स हंड्रेड फॉर स्पोर्ट और फॉर फूड। डिड यू नो दैट गेम, आप लोगों को पता है वो कलेक्टिवली मीन्स वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स हंड्रेड फॉर स्पोर्ट और फॉर ए फूड। फूड के लिए या कई स्पोर्ट्स के लिए एक साथ उसको हंड्रेड कर जाना, बिग गेम, उसको बोलते हैं बिग गेम। मीन्स लार्ज एनिमल्स और बिग गेम, बहुत सारे एनिमल्स को या ये बर्ड्स को एक साथ उसको हंड कर लेना। द ग्रास लैंड वेयर कॉल्ड बिग गेम हंडर्स पैराडाइज। वही ग्रास लैंड को क्या बोला जाता है, बिग गेम हंडर्स पैराडाइज, उसके लिए पैराडाइज है वो, क्यों जो बिग गेम खेलता है उसके लिए, कोई अपने अपने नाम कमाने के लिए एक साथ बहुत सारे बर्ड्स या एनिमल्स को हंटिंग करता है। वो कहाँ करता है, सवना ग्रास लैंड में करता है, क्योंकि उधर एनिमल्स को और बर्ड्स को आसानी से आप हंटिंग कर सकते हैं। तो द बिग गेम मीन्स लार्ज एनिमल्स और बर्ड्स, द ग्रास लैंड वेयर कॉल्ड बिग गेम हंटर्स पैराडाइज। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स हंटर्स फाइंड हियर, लोगों को कौन कौन सा एनिमल्स और बर्ड्स मिलता है। रिमेंबर दे आर ग्रास लैंड, वो ये ग्रास लैंड है, सो नो बिग ट्रीज, नो आर्बोरियल क्रीचर्स एग्जिस्ट हियर। आर्बोरियल क्रीचर्स भी नहीं होगा और बिग एनिमल्स भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रीज होता नहीं, बिग ट्रीज का देर नहीं होगा। टॉक अबाउट द एनिमल्स दैट वुड फाइंड दिस ए सूटेबल हैबिटेट, उस हैबिटेट में कौन सा एनिमल्स रह सकता है उसके बारे में इस लैंड में बताया जाएगा। नाउ यू हैव टू टेक द फर्स्ट पेज ऑफ दिस 234 पेज एंड लुक एट दिस मैप। इसमें देखो तो इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटर के इस तरफ और इस तरफ कितने डिग्री जाता है ऊपर तक, 23 एंड हाफ डिग्री तक कौन सा एरिया है, सवना ग्रासलैंड है। देखो द सवना ग्रासलैंड लाई इन द ट्रॉपिकल बेल्ट बिटवीन 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ एंड 23 एंड हाफ डिग्री साउथ to the north and south of the equatorial forest. That means equatorial forest ke baad, this is a globe, then it is the equator, this line is equator, then from here 23 and half degree north, 23 and half degree south, ये north है ये south है, और ये इतने भाग में और इधर से इधर तक और इधर से इधर तक क्या है, सवना ग्रासलैंड, इधर है सवना ग्रासलैंड। उस तरफ और इस तरफ कौन सा है, सवना ग्रासलैंड। नाउ द नेक्स्ट पेज अबाउट द लोकेशन, look at the map of the world given on the previous page, you will see
that there are grassland to the north and south of the Amazon basin in South America, to the north and south of the Zaire basin in Africa and in Australia. तो ये जो दिया गया आपको मैप दिया गया है उसमें एक इक्वेटर दिया है इधर साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में अमेजोन बेसिन में, और अफ्रीका में कौन सा है, कौन सा एरिया है अफ्रीका में, ज़ाइरा बेसिन, अफ्रीका में ज़ाइरा बेसिन एंड इन ऑस्ट्रेलिया. तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट में है ग्रासलैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल साउथ अमेरिका, देन अफ्रीका एंड इन ऑस्ट्रेलिया. इन तीनों कॉन्टिनेंट में क्या दिखाई देता है, सवाना ग्रासलैंड एक्सिस्टिंग. फर्स्ट वन साउथ अमेरिका, देन टू अफ्रीका एंड थ्री ऑस्ट्रेलिया. तीनों कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड है क्या, इन तीनों कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड है सवाना ग्रासलैंड. साउथ अमेरिका में कौन सा प्लेस है, साउथ अमेरिका अमेज़न बेसिन कहाँ है, यू विल सी दैट देयर आर ग्रासलैंड टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द अमेज़न बेसिन इन साउथ अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द अमेज़न बेसिन. अफ्रीका में कहाँ है, एंड अमेज़न एंड साउथ अमेरिका टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द ज़ाइरा बेसिन, ज़ाइरे बेसिन इन अफ्रीका एंड इन अफ्रीका एंड इन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में भी आपको दिखाई देता है सवाना ग्रासलैंड. नाउ इफ यू कंपेयर टू द वेजिटेशन मैप विद द पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका, यू कैन फाइंड दैट गाम्बिया, सेनेगल, माली, निगर, चाड, सुडान, केनिया, तंजानिया, जाम्बिया एंड उगांडा फॉल इन दिस रीजन. तो अफ्रीका का लेगा ये ज़ाइरा बेसिन के बारे में आप लोग देखो तो कौन कौन सा कंट्रीज में आ जाता है अफ्रीका में, देखो तो गाम्बिया, देन सेनेगल, then Mali, then Niger, then Chad, then Sudan, Kenya, then Tanzania. इतने प्लेस में हम लोग को क्या दिखाई देता है, सवाना ग्रासलैंड दिखाई देता है. कौन सी अफ्रीका में, कौन सी अफ्रीका में, ज़ाइरा बेसिन में गाम्बिया, सेनेगल, माली, निगर, चाड, सुडान, केनिया, तंजानिया, ज़ाम्बिया एंड उगांडा, इतने प्लेस में हम लोगों को कौन सा प्लेस दिखाई देता है सवाना ग्रासलैंड. अफ्रीका में ज्यादातर कहाँ दिखाई देता है, ज्यादा एरिया भी ज्यादा दिखाया है अफ्रीका का ही है ना, ज्यादा ग्रासलैंड दिखाया है, ज्यादातर ग्रासलैंड अफ्रीका में दिखाया है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में कम दिखाया गया है. ओके, if you compare the vegetation map with the political map of Africa, you can find that Gambia, Senegal, Mali, Niger, Chad, Sudan, Kenya, Tanzania, Zambia and Uganda fall in this region. In South America, Venezuela and Brazil. South America mein kaun kaun sa hai, Amazon basin mein kaun kaun sa aata hai, Venezuela, ब्राज़ील.
पेनिनसुला और ब्राजील इसमें आ जाता है, साउथ अमेरिके में पेनिनसुला और ब्राजील हैव दिस ग्रासलैंड। दिस ग्रासलैंड विल बी इन बिटवीन बेल्ट वेयर द चंगो चेंज ओवर फ्रॉम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट टू हॉट डेजर्ट टेक प्लेस। इनके बाद कौन सा एरिया शुरू होता है? हॉट डेजर्ट शुरू हो जाता है। तो व्हाट इज देयर? दीज ग्रासलैंड्स आर इन बिटवीन बेल्ट वेयर द चेंज ओवर फ्रॉम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट टू द हॉट डेजर्ट टेक प्लेस। दोनों के बाद हॉट डेजर्ट शुरू हो जाता है। तो पहले इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन के बाद ग्रासलैंड, ग्रासलैंड के बाद कौन सा एरिया शुरू हो जाता है? डेजर्ट, और डेजर्ट शुरू हो जाता है इन अफ्रीकन कंट्रीज। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द क्लाइमेट? लुक एट द सेकंड पैराग्राफ ऑफ क्लाइमेट। रेनफॉल डिक्रीजेस एंड सो डस वेजिटेशन एज यू मूव फार्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे जैसे आप लोग इक्वेटर से दूर होते जाएंगे, रेनफॉल डिक्रीजेस। जैसे इधर सबसे ज्यादा इक्वेटर रीजन में, रीजन में सबसे ज्यादा क्या होता है? रेनफॉल होता है। जैसे जैसे इधर से दूर की ओर जाएगा, इस तरफ भी चला आएगा, तो रेनफॉल कम होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे इक्वेटोरियल रीजन से फार होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, रेनफॉल डिक्रीजेस कम हो जाएगा एंड सो डस वेजिटेशन। इसकी वजह से जैसे जैसे वेजिटेशन भी कम हो जाएगा, बारिश कम है, रेनफॉल कम है, तो वेजिटेशन भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा ना। तो रेनफॉल डिक्रीजेस एंड सो डस वेजिटेशन एज यू मूव फार्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होते जाए, वैसे वर्षा भी कम हो जाता है, मीन्स रेनफॉल भी कम हो जाता है, देन द वेजिटेशन ऑल्सो डिक्रीज। देन रेनफॉल वेरियस फ्रॉम 15 सेंटीमीटर टू खर्टोम, दैट मीन्स सूडान इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, टू 120 सेंटीमीटर ऑन द कोस्ट ऑफ गाम्बिया। गाम्बिया में 120 सेंटीमीटर मिलता है, तो कहाँ? खर्टोम में। देन सूडान में कितना मिलता है? 15 सेंटीमीटर। सूडान में 15 सेंटीमीटर मिलता है, तो दूसरी तरफ कोस्टल एरिया है गाम्बिया, गाम्बिया में कितना मिलता है? गाम्बिया में 120 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में इतना डिफरेंस आ रहा है, दोनों का वेजिटेशन में भी डिफरेंसेस आ जाता है, क्योंकि गाम्बिया जो है कोस्टल एरिया है, और सूडान जो है इंटीरियर कॉन्टिनेंट है, इंडियन कॉन्टिनेंट है। तो रेनफॉल वो वेरियस फ्रॉम 15 सेंटीमीटर टू इन सूडान इन द इंटीरियर टू द कॉन्टिनेंट टू द 120 सेंटीमीटर ऑन द कोस्टल ऑफ गाम्बिया। तो कोस्टल एरिया में ज़्यादा बारिश में रेनफॉल मिलता है, और अंदर इंटीरियर एरिया में, कॉन्टिनेंटल इंटीरियर एरिया में कम रेनफॉल मिलता है। जनरली द रेनी रेनफॉल हियर इज लेस दैन इन द मानसून लैंड, मानसून लैंड से भी कम मिलता है। जनरली द रेनफॉल हियर इज लेस दैन द मानसून लैंड। देर आर टू डिस्ट्रिक्ट सीजन, ओनली टू डिस्टिंक्ट सीजन इधर दिखाई देता है, ए वेट सीजन एंड ए ड्राई सीजन। कौन कौन सा सीजन दिखाई देता है? वन वेट सीजन, टू ड्राई सीजन। ये दो सीजन कहाँ दिखाई देता है? ये दो सीजन दिखाई देता है सवाना ग्रासलैंड इतनी एरिया में। एक है वेट सीजन, दैट मीन जब रेनफॉल होता है वो, और एक जो है ड्राई सीजन, जब बिल्कुल रेनफॉल नहीं होता। दो सीजन आते हैं। जनरली द रेनफॉल हियर इज लेस दैन इन द मानसून लैंड। मानसून लैंड कौन था? लास्ट हम लोगों ने ट्रॉपिकल मानसून लैंड के बारे में लर्न किया था। देर आर टू डिस्टिंक्ट सीजन्स, ए वेट सीजन एंड ए ड्राई सीजन। देर इज ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन द डे एंड द नाइट टेम्परेचर। उधर का जो टेम्परेचर है, दिन और रात का, दैट मीन्स डे और नाइट का टेम्परेचर में बहुत सारे डिफरेंसेस रहता है। ट्रेड विंड्स ब्लो एंड ब्रिंग रेन टू द कोस्टल रीजन बट नॉट टू द इंटीरियर रीजन। हाँ, ट्रेड विंड होता है, पर वो कोस्टल रीजन में क्या लाता है? रेनफॉल लाता है, बट इंटीरियर, कॉन्टिनेंट के इंटीरियर, कोस्टल के अंदर का जो पार्ट्स होता है, उधर इतना रेनफॉल नहीं होता। तो लुक एट द फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट पैराग्राफ, आई एम गोइंग टू रीड द लेसन वन मोर टाइम। The savanna grassland lie in the tropical belt between 23 and half degree north and 23 and half degree south to the north and south of the equatorial forest.
The second page, that means 235, location. Look at the map of the world given on the previous page. You will see that there are grassland to the north and south of the Amazon basin in South America, to the north and south of the Zaire basin in Africa and in Australia. If you compare the vegetation map with a political map of Africa, you can find that Gambia, Senegal, Mali, Niger, Chad, Sudan, Kenya, Tanzania, Zambia and Uganda fall in this region. In South America, Venezuela and Brazil have these grasslands. These grasslands are the in-between belt where the changeover from equatorial forest to the hot desert take place. जहाँ से डेजर्ट शुरू होता है और जहाँ ये इक्वेटोरियल रीजन कम हो जाता है, मतलब इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पूरा हो जाता है और इन दोनों के बीच में है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड के बाद कौन सा प्लेस शुरू हो जाता है? डेजर्ट एरिया शुरू हो जाता है। नाउ क्लाइमेट, रेनफॉल डिक्रीज एंड सो डस वेजिटेशन एज यू मूव फार्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर. Rainfall varies from 15 cm to Khartoum, that means Sudan, in the interior of the continent, to 120 cm on the coast of Gambia. Generally, the rainfall here is less than in the monsoon lands. There are two distinct seasons, a wet season and a dry season. There is a large difference between the day and night temperatures. Trade winds blow and bring rain to the coastal region but more to the interior region. ये था क्लाइमेट के बारे में और लोकेशन के बारे में. दैट सावना ग्रासलैंड एंड देन नाउ आई विल डू एक्सप्लेन अबाउट द वेजिटेशन. ये सब इसका लोकेशन के बारे में और उसका क्लाइमेट के बारे में बताया गया. Now what about vegetation? The vegetation kya hota hai? Vegetation comprises mostly of elephant grass. Vegetation comprises ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा वेजिटेशन उधर होता है? वेजिटेशन कंप्रेसेस मोस्टली ऑफ एलिफेंट ग्रास, एक टाइप ऑफ ग्रास. एलिफेंट ग्रास मीन्स वन टाइप ऑफ ग्रास. Grasses का एक kind है elephant grass. Then which grows up 1.5 high. इसका height कितना होता है? 1.5 meter high. कितना लंबाई? 1.5 meter. कितना meter ज़्यादा इसका height? 1 meter high. And scattered trees. इसके अलावा क्या होता है? Scattered trees, especially acacia. इसके बाद acacia tree. That means एक वन टाइप ऑफ कैक्टस.
कासिया टाइप कट कटावाड़ी जो ट्रीज होता है, दैट मीन्स हम लोग इधर गुजरात में भी दिखाई देता है कटावाड़ी वृक्ष दिखाई देता है वैसे ही, एंड स्कैटर्ड ट्रीज छोटे छोटे ट्रीज दिखाई देता है और स्पेशली अकास उस ट्री में कौन सा होता है ज्यादातर अकास है। ट्रीज दैट कैन बी स्टोर वाटर सच एज बोबाब ट्रीज, ज्यादातर जो पानी संभाल कर रख पाता है अपने स्टम के अंदर वैसे ट्री उधर दिखाई देता है। आम ग्रासलैंड ग्रो हियर द ट्रीज आर फ्लैट टॉप्ड ऑन अम्ब्रेला शेप, ट्रीज आर हाउ द ट्रीज आर द ट्रीज आर कैसे होता है द ट्रीज आर फ्लैट टॉप्ड फ्लैट टोप्ड और अम्ब्रेला टाइप इसका ऊपर का जो है अम्ब्रेला टाइप इन दोनों में दिखाई देता है क्योंकि द ट्रीज आर फ्लैट टोप्ड और अम्ब्रेला शेप्ड एंड प्रेजेंट इन नैरो एज द विथस्टैंड टू स्ट्रॉन्ग विंड। इसमें एक ट्री दिया है वो ट्री दिखाया है उसका स्टेम जो है एकदम स्ट्रॉन्ग है present a narrow edge to withstand the strong wind, that is this is an adoption by trees in windy region, क्योंकि ग्रासलैंड में ज्यादा विंड होता है इसलिए उस विंड से बचने के लिए अपने आप को वो जो ट्री जो है उधर जो सर्वे करता है वो ट्री जो है अपने आप को उसमें चेंजेस लाता है तो withstand the strong wind, विंड के में उसको सर्वे करना है इसलिए अपने हिसाब से उसको वो चेंज करता है। देखो बॉम्बो ट्री को देखो पूरे स्टेम जो है मोटा सा है और ऊपर जो है जो ब्रांचेस है उसका एकदम छोटा सा है, ब्रांचेस छोटा दिखाया है और उसका स्टेम पानी भी संभाल के रखा है और विंड आए तो गिर ना जाए वैसे मोटा सा वो स्टेम है उसका, ट्रंक जो है एकदम बड़ा है और ब्रांचेस जो है एकदम छोटा सा है। द ट्रीज आर फ्लैट टॉप्ड और अम्ब्रेला शेप्ड एंड प्रेजेंट ए नैरो एज द डिस्टेंस, ऊपर की ओर नैरो दिखाई देता है और नीचे की ओर ट्रंक बड़ा होता है एंड विथस्टैंड द स्ट्रॉन्ग विंड्स, दिस इज एन अडॉप्शन बाय ट्रीज इन विंडी रीजन, विंडी रीजन का ट्रीज जो है अपने आप को इसमें अडॉप्ट कर लेता है उस क्लाइमेट के हिसाब से क्योंकि उस एरिया में ग्रासलैंड एरिया में ज्यादा क्या चलता है विंड चलता है उसके हिसाब से ये लोग अपने आप को चेंज करके अपने शेप को चेंज करके उसी क्लाइमेट के हिसाब से उसको अडॉप्ट कर लेता है। इसको क्या बोलते हैं दिस इज एन अडॉप्शन, इसको बोलते हैं अडॉप्शन बाय ट्रीज इन विंडी रीजन, विंडी रीजन में कैसे होना चाहिए उसको सबसे अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। दैट इज अबाउट द वेजिटेशन। नाउ व्हाट अबाउट द वाइल्ड लाइफ, many species of herbivorous and carnivorous animals are found in the grassland. Many species of herbivorous and carnivorous. Herbivorous or carnivorous दोनों तरीके का जो प्लांट पत्ते खाता है वो भी है जो एनिमल और जो मीट खाता है जो भी दूसरे एनिमल्स को खाता है वो भी कार्निवोरस होता है जो दूसरे एनिमल्स को खाता है वो और हर्बोरस होता है ओनली प्लांट खाता है। ये दोनों टाइप का दोनों काइंड ऑफ एनिमल्स आर हियर
Many species of herbivorous and carnivorous animals are found in the grassland. In the last century, Europeans went into Africa for big game hunting and collect trophies. आप लोगों को मैंने पहले फर्स्ट बार का बताया था बिग गेम के बारे में. तो अफ्रीकन लोग यूरोपियन लोग उधर जाते थे, अफ्रीकन फॉरेस्ट में जाते थे, ग्रासलैंड में जाते थे बिग गेम खेलने के लिए, और बहुत सारे एनिमल्स को उन लोगों ने हंडिंग करते थे, बहुत सारे एनिमल्स को हंडिंग करके मार देते थे. तो यूरोपियन वेंट टू अफ्रीका फॉर बिग गेम हंडिंग एंड कलेक्ट ट्रॉफीज, और उसको एक गेम होते थे और अपने आप ट्रॉफीज कलेक्ट करते थे. ड्यू टू दिस द पॉपुलेशन ऑफ सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव डिक्रीज at an alarming rate and a number of species have become end-degraded. That means end-degraded. That means वो उस वर्ल्ड के ऊपर से कोई भी फॉरेस्ट में वैसे वो स्पीसीज का एनिमल दिखाई नहीं दे. इसके वजह से जो हर साल यूरोपियन लोग जाके बहुत सारे एनिमल्स को बिग गेम में मार देते थे अपने ट्रॉफी हासिल करने के लिए, उसकी वजह से बहुत सारे काइंड ऑफ एनिमल्स को मारा दिया गया. तो उसके वजह से क्या हुआ, तो ड्यू टू दिस इस गेम के वजह से पॉपुलेशन ऑफ सेवरल बहुत सारे स्पीसीज का बहुत सारे काइंड ऑफ एनिमल्स का हाउ डिक्रीज एट एन अलार्मिंग, दैट मींस अभी अलर्ट हो जाओ, बहुत सारे एनिमल्स को मार दिया गया है. इस तरह का एनिमल्स अभी इस वर्ल्ड के ऊपर, दैट मीन्स अर्थ के ऊपर दिखाई भी नहीं देते. अलार्मिंग रेट, दैट मीन्स इतना अलर्ट होना चाहिए, इतना अलार्मिंग रेट में उसका डेथ हो गया है. एंड ए नंबर ऑफ स्पीसीज हैज बीन हैव बीन इनडिग्रेडेड, दैट मीन्स उसका वो पूरा ये अपने भूमक के ऊपर से, दैट मीन्स भूमि अर्थ के ऊपर से उसको निकाला गया, जैसे एक भी उसका स्पाइसिस बचा नहीं से हो गया, इनडिग्रेडेड कर दिया गया. herbivorous run fast to escape from their enemies, zebra, giraffe, antelope, deer, gazelle, elephant and okapi are some herbivores that graze here. बहुत सारे herbivorous animals जो है इधर grassland में इसमें ज़्यादातर वो ही रहेगा. कौन कौन सा herbivorous? zebra, giraffe, antelope, deer, gazelle, elephant and okapi. उसमें से हर एक एनिमल उस ग्रासलैंड के हिसाब से अपना बॉडी कलर का ऐसा अनुकूलता के हिसाब से उसके हिसाब से वो लोग रहते थे, क्योंकि जीब्रा ग्रास के बीच में रहे तो दिखाई नहीं देते. मेनी ऑफ देम हैव एबिलिटी टू कैमोफ्लेज, दैट मीन्स जहाँ रहते हो उस एरिया के जैसे उस प्लेस के हिसाब से अडॉप्ट करना अपने आप को, जैसे ट्री ने विंडी है इसलिए अपने आप को अडॉप्ट किया, जैसे स्टम या ट्रंक बढ़ाया और छोटा छोटा ब्रांचेस बनाया, वैसे ही एनिमल्स ने भी उस एरिया में ग्रासलैंड में कैसे रहना चाहिए, अपने आप को बचा के भी रखना है और ग्रेजिंग भी करना है, इसके लिए अपने आप को उसके हिसाब से वो लोग भी अडॉप्ट किया गया था. कैसे? एन अडॉप्शन दैट हेल्प देम टू मर्ज देयर बॉडी कलर विद दैट ऑफ देयर सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपना बॉडी कलर भी वो चेंज किया गया था. कौन कौन सी एनिमल, जितने भी जो ग्रासी थी एनिमल है हर्बी और वो सब, जीब्रास मर्ज विद द ब्लैक एंड व्हाइट शेडोज ऑफ द एलिफेंट ग्रास, उन लोगों ने जीब्रास ने अपने आप को ब्लैक एंड व्हाइट बना के एलिफेंट ग्रास के अंदर छुपा देते, एलिफेंट ग्रास इतना बड़ा है तो उसके अंदर तो छुप सकता है ना, तो जीब्रा अपने आप को ब्लैक एंड व्हाइट लाइन करते हुए उसके अंदर छुप जाते थे, क्योंकि दूसरे एनिमल कार्निवोरस एनिमल उसको अटैक करेगा, तो अपने आप को बचाने के लिए वो लोग उस सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करते थे, अपने आप को चेंज करते थे. तो एन अडॉप्शन दैट हेल्प्स देम टू मर्ज देयर बॉडी कलर विद दैट देयर सराउंडिंग, जैसे सराउंडिंग में कौन सा कलर उसके हिसाब से वो अपने आप को मैच करते थे. जीब्रास मर्ज विद द ब्लैक एंड व्हाइट शेडोज ऑफ द एलिफेंट ग्रास, और एलिफेंट ग्रास के बीच का जो शेडो होता है उस शेडो में वो अपने आप को छुपा देते थे, तो ब्लैक एंड व्हाइट शेड सबको दिखाई नहीं देते थे. हर्बिवोरस एनिमल्स आर फाउंड इन लार्ज हर्ड्स
as they are safe when they move in group. और अपने आप को वो लोग ऐसे भी तैयार करते थे, जहीं भी जाओ रेसिंग के लिए जाओ तो एक साथ चला जाता था. आप लोगों ने इसे डिस्कवरी चैनल में देखते होंगे, जीब्रा और जिराफ वगैरह रेसिंग के लिए जाएगा तो एक साथ जाता है, और उन लोगों को कदाच एक लायन या टाइगर आके अट्रैक करेगा तो वो लोग उसको हरा सकता है. इसलिए वो लोग कहीं भी ग्रेसिंग के लिए जाओ तो क्या करते थे, वे नंबरियस एनिमल आर फाउंड इन लार्ज बर्ड्स, एक साथ जाते हैं, आज दे आर सेफ व्हेन दे मूव इन ग्रुप, अपने आप को ग्रुप में जाएगा तो अपने आप को बचा सकेगा. सम ग्रेस व्हाइल अदर कीप लुक आउट, कोई आधा ग्रेसिंग करेगा तो आधा वॉचिंग करता है, कोई आ नहीं रहा ना, कोई लायन नहीं आ रहा ना, कोई टाइगर, कोई कार्निवोरस एनिमल तुरंत आकर उसको अट्रैक कर सकता है, तो वॉच करते थे, उसको देखभाल करते थे. लायंस लेपर्ड्स एंड हाइनास आर ऑल लाइट ब्राउनिश इन कलर, और जितने भी कार्निवोरस एनिमल होते थे, कौन कौन सी लायन होते थे, लेपर्ड्स एंड हाइनास होते थे, वो सब ब्राउनिश इन कलर था. सो आज लॉट Not to visible against their background. उसके background में उस ग्रासलैंड के background को उन लोगों को दिखाई भी नहीं देते थे. That is about the wildlife. Now I am going to end up the video here. The next video we will complete the last paragraph of this lesson. Now you have to note down your homework. लेसन जो है आप लोगों को 2 times रीड करना है. रीड करते करते अपने आप कौन सा फाइंड आउट करना है, जो जो हार्ड वर्ड्स है उसमें बहुत सारे हैं, वो अपने आप को फाइंड आउट करके कौन सी बुक में लिखना है, 0 number बुक में, दैट मीन्स इन योर होमवर्क बुक, और वो 1 time लिख के, कितने बार 1 time लिख के आपको पोस्ट करना है होमवर्क. ओके, एक ही बार लिखना है 1 time. ये हार्ड वर्ड्स आप लोग जो भी लिखता है लगता है मेरे लिए हार्ड है, हर एक के लिए देख जैसा तो नहीं होगा, फिर बाद में मैं आप लोगों को दूंगी. इसके अलावा आप लोगों को एक बार फाइंड आउट करना है पार्टनर्स. ओके, सो अगले पीरियड में मैं कंप्लीट कर देती हूँ. टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैव ए नाइस डे.